एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए लंबे समय से मुझे बहुत सारे SMS मिल रहे थे और वो भी सबसे बहुत ही ईजी प्रोसेस होना चाहिए। सो इसलिए आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आसानी से होम ऑटोमेशन बनाया जाए अपने रूम के लिए। होम ऑटोमेशन के लिए सबसे सस्ता मॉड्यूल है ये ESP8266। और गाइस मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये बनाना थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन गाइस अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो बेशक आप इसे बना सकते हैं। ओके चलिए इसे बनाते हैं। ये वीडियो JLCPCB के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल PCB कैसे बनाएं, तो आप JLCPCB से PCB ऑर्डर कर सकते हैं, या आप मैक्सिमम 6 लेयर तक PCB भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अपने पसंद के PCB कलर चुन सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा भी आप स्टेंसिल और SMT सर्विस का मजा ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप JLCPCB वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मैंने होम ऑटोमेशन बनाने के लिए GitHub से एक कोड डाउनलोड किया। उसके बाद जब मैं इस कोड को अपने ESP8266 में अपलोड करने गया, तब मैंने देखा कि मेरे Arduino IDE में ESP8266 में कोड अपलोड करने की कोई ऑप्शन नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, अपलोड करने के लिए आपको Arduino IDE सॉफ्टवेयर में प्रेफरेंस ऑप्शन पर जाना होगा और एक जॉनसन लिंक को आपको यहाँ पेस्ट करना होगा। अब आपको बोर्ड मैनेजर में जाके ESP8266 एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप यह देख सकते हैं आपके बोर्ड के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। अब आप अपने बोर्ड को सही ढंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके आप फ़ोन के पार्ट हैं, उसीलिए जस्ट आपको फ़ोन ऐप स्टोर में जाना होगा और वहाँ जाके आपको ब्लिंक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप में आपको रजिस्टर करना होगा और ब्लिंक की आपको एक ईमेल करेंगे और उस ईमेल में आपको एक यूनिक कोड आपको मिल जाएगा। ये है मेरे यूनिक कोड और मैं इस यूनिक कोड को कॉपी करके अपने Arduino कोड में पेस्ट कर दूंगा, ताकि इस ब्लिंक एप्लीकेशन और ESP8266 के बीच में एक कनेक्टिविटी बन जाए। उसके साथ ही साथ आपको इस कोड में एक SSD टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको अपने वाईफाई नेम को डालना होगा और नीचे पासवर्ड ऑप्शन में आपको डेफिनेटली वाईफाई पासवर्ड को डालना होगा। ओके सारे काम कंप्लीट हो चुका है, ये बहुत ही आसान था राइट। जब आपके सारे कनेक्शन सही ढंग से कंप्लीट हो जाए, तब मैं USB केबल इसके साथ जोड़ दूंगा और मैं अपने कोड को अपलोड कर लूंगा। सही ढंग से कोड अपलोड करने के बाद आप यह देख सकते हैं एक ब्लू LED ऑन हो चुका है, जिसका अर्थ है कि वाईफाई से हमारा Node MCU ठीक से कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद ESP8266 के 4 आउटपुट सिग्नल को एनालाइज करने के लिए 4 LED आपको अटैच करना होगा। और गाइस निश्चित रूप से मैं यह करंट लिमिट रजिस्टर को जोड़ना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ओके गाइस अब चलिए ब्लिंक के एप्लीकेशन में 4 स्विचेस बनाते हैं 4 LED के लिए। और यह मैं हर एक स्विच के अंदर आउटपुट पिन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और गाइस ये एक स्विच है, सो इसीलिए मैंने यह स्विच को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक इसी तरह मैं 4 स्विचेस को बना लूंगा। इसको ठीक से चेक करने के लिए जब मैं नंबर 1 स्विच को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 LED ऑन हो चुका है। ठीक उसी तरह नंबर 2 भी, नंबर 3 भी और नंबर 4 भी। और यह आप देख भी सकते हैं ये बहुत ही सही ढंग से काम कर रहा है कोई भी प्रॉब्लम के बिना। और गाइस आप इसे दुनिया में किसी भी कोने से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और गाइस यही था एक सबसे सरल तरीके में होम ऑटोमेशन बनाना। और यदि आप इससे AC अप्लायंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप यह रिले का उपयोग कर सकते हैं ठीक इसी तरह। और गाइस ये था आज का एक छोटे मोटे वीडियो। शायद नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे एक Alexa होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाया जाए। और गाइस अगर आप इस वीडियो आपको पसंद ना आया तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में।